मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। क्या बिना किसी जंग या स्ट्राइक के ही पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस बार पाक अधिकृत कश्मीर में विद्रोह की आग लगी है कि पाकिस्तानी सेना और पीओके छोड़कर भाग रही है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। विद्रोह की आग में पीओके धधक रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ चिंगारी अब शोले बनकर इस्लामाबाद को झुलसा रही है। There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. पीओके से उठती बगावत की आवाज ने शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी है। गौर से सुनिए और ये देखिए, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में ये पहली बार है जब पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस जान बचाकर भाग रहे हैं। आपने कानून की धज्जियां बिखेरी, आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, आपने पूरे आजाद कश्मीर के अंदर बगैर सर्च वारंट के आपने लोगों के घरों में घुसे, आपने आपने लोगों को रात को हरासा किया, आपने लोगों के बच्चों को हरासा किया। अब ये वक्त आ गया है कि इसका जवाब आपको दिया जाए। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की आवाम का आक्रोश है जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जंग छिड़ चुका है। सालों से जुल्म झेल रहे कश्मीरी अब पाकिस्तानी सैनिकों के खून के प्यासे हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, वहां पाकिस्तानी सैनिकों को घेर कर लिंचिंग की कोशिश हो रही है। पीओके के लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि अपना हक मांगने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बर्बरता के आदेश दे दिए गए और इसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस अफसर के दफ्तर में घुसकर जमकर पिटाई की। पीओके के रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाता है, फिर भी वहां की आवाम के पास न बिजली है न पानी है और न ही आटे के लिए कोई सब्सिडी दी जाती है। जो भी पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे भारत का एजेंट बताकर जेल में ठूंस दिया जाता है। लेकिन अब पीओके की जनता का सब्र टूट चुका है और जनता सड़क पर उतर आई है। तुम राह के एजेंट निकले और तुम आज तुम हमें कहते हो कि सस्ता आटा मांगना, सस्ती बिजली मांगना राह की झंडी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें अब नहीं होने वाली। अब आवाम बाशऊर हो चुकी है, आवाम समझ चुकी है कि आपके साथ क्या ज्यादती हो रही है। पाकिस्तानी हुकूमत पुरजोर कोशिश कर रही है कि वहां विद्रोह की आवाज को दबा दिया जाए और इसके लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को पूरी छूट है। इसी का नतीजा है कि अब पीओके के कुर्दू से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान से एक ही आवाज उठ रही है, नहीं जाना इस्लामाबाद, खोल दो बॉर्डर, हिंदुस्तान चलो। There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we have
done, you know, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, you know, the POK is also important. कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अब पीओके पर कब्जे की जरूरत नहीं है, वहां के लोग खुद ही भारत में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने जब से अपने सैनिकों पर हमले की तस्वीरें देखी है, उन्हें डर लग रहा है कि भारत को बिना किसी कोशिश के ही कहीं पीओके ना मिल जाए। और इधर बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच ठन गई है। बाइडेन ने बम देने से इनकार किया तो नेतन्याहू ने बिना अमेरिकी मदद के रफा की तबाही की कसम